सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज मी योर होस्ट मोडोहोलिक सेरिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है, गेस करिए। गेस तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको क्या पता मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है कावासाकी का ये फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर, तो जो कि मैं आज एक तरह का रिव्यू बोल सकते हो आप इसे। मैं इसको डाल के चेक करूंगा, क्योंकि ये जो मैं कावासाकी में एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, एक मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक थ्रॉटल जो है वो अप डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सभी मेजर कावासाकी कह रहा हूँ, टेनआर ओनर्स जितने भी है 2021, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक टेनआर का जो ग्रुप है इंडिया का, जिसमें ऑल द टेनआर ओनर्स आर देयर, तो उनको उन्होंने ये जो है रेकमेंड किया है, उसमें से एक बाइकर ने, मैं डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर साहब थे कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि उन्होंने ये फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर जो कावासाकी का ही आता है, इट्स फॉर लाइक 650 रुपीज, और ये जब आपकी टैंक जो है आधा होगा तो उसमें ये पूरा पोर इन करना है, उसके बाद तब देखने हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। उनका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव था, उनकी जो थ्रॉटल रिस्पांस जो अप डाउन हो रहा था वो कह रहे हैं बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो भाई मैं भी दुआ करता हूँ कि मेरा भी वो खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू आ रहा है जो कि थ्रॉटल में आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है वो अप डाउन। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, इफ अगर मिली तो, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने डिलीट कर दी थी वो वीडियो। तो अगर नीचे जाके अगर मेरी बाइक ने फिर से वो करा तो मैं आपको सुनाऊंगा किस तरह का वो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वो आवाज़ है, किस प्रकार का प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ। बाकी इसको डाल के टेस्ट करते हैं आज, इफ इट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट और इज इट अ येस और अ नो। तो सीधे चलते हैं बाइक के पास, इसको पोर इन करते हैं, उसके बाद उसको एक शॉर्ट स्पिन के लिए लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक तो थोड़ी चलानी पड़ेगी, तब देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो भाई लोग, अभी हम पहुंचे हैं अपनी बेबी फ्रॉस्ट के पास। तो हमारी बेबी फ्रॉस्ट खड़ी है इधर, और इसको सबसे पहले तो मैं इसमें चेक करूंगा कि इसमें पेट्रोल कितना है, क्योंकि एज द कावासाकी सर्विस गाय टोल्ड मी कि इसका टैंक जो है वो आधा होना चाहिए। यार अब इसमें पता भी नहीं लगता यार, ओह नो। नो फ्यूल गेज, आर यू किडिंग मी? इज समबडी इन देयर? कैसे पता लगेगा, क्या करा जाए? आवाज से तो मुझे आधा ही लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पोर कर ही देना चाहिए जैसे तैसे करके। तो भाई लोग, बहुत ही मैंने ट्राई करा, बहुत दिक्कत के बाद ये जो डब्बा है ये सारा खुल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली मैंने, खोलने की खुला नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एक फ्रेंड की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि है एक मैकेनिक, और उनका वहाँ पे शॉप पे जाके वहाँ पे इसको खोला जाएगा और वहाँ पे करेंगे इसको पोर, क्योंकि मेरे तो बस की हुई नहीं इसको खोलना, काफी टफ सील करा हुआ है, बस एक फ्री घूमे जा रहा है, खुल ही नहीं रहा है। तो सीधे चलते हैं मैकेनिक के पास। कौन कहता है कि इंसान ही खून पीता है, देखो यहाँ पे गाड़ी को भी खून पिलाया जा रहा है, गाढ़ा खून। जस्ट किडिंग गाइस, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे और सोनू भाई हमारी मदद कर रहे हैं इसको खोलने में। खुल गया सोनू भाई? कैसे नहीं खुलेगा? अच्छा, पेचकस की जरूरत थी यार, पेचकस नहीं था ना मेरे पास, मैं हाथों का इस्तेमाल कर रहा था, तो अभी खुल चुका है। तो डाल भी दो यार, जरा यार थोड़ी सी मेहनत कर दो। तो सोनू भाई को हम बोलेंगे कि इसके अंदर डाल दो जरा। ये पेट्रोल का है? हाँ, तो इसके, हाँ पूरा डाल दो प्यार से, हैंडल विद केयर। अच्छा, हिलाना भी पड़ता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही डाल देता। लुब्रिकेंट तो है ये, मैं तो ऐसे ही डाल देता। आप कोल्ड ड्रिंक भी तो शेक करके पीते हैं ना, जूस?
तो भाई लोग पूरा डाल दिया है उसके अंदर और अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे, तब देखेंगे कि वो इशू सॉल्व होती है कि नहीं। तो अब चलते हैं सीधा राइड रिव्यू देते हैं इसके ऊपर चल के, तब कंप्लीट करते हैं पूरा वीडियो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं देहरादून। ये देखो बुप्पा जी हमारे साथ क्या क्या पीछे हरकतें कर रहे हैं, और रास्ते का व्यू दिखा नहीं पाया हूँ। अभी आए हैं देहरादून, तो बुप्पा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ राइड पे। तो ये वाला प्रोस्पेक्टिव जो है थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोस्पेक्टिव आज मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है सेम प्रोस्पेक्टिव के साथ कि हमेशा आगे का व्यू वही स्पीडोमीटर वही व्यू दिख रहा है, तो आज थोड़ा सा अलग व्यू आएगा। और ये हमारे सुधांशु भाई आ चुके हैं हमारे साथ और ये हो चुकी है शुरू एक जर्नी। तो देखते हैं ये मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाता है कि नहीं। गाड़ी को रोनेंगे आज लगभग 20-25 किलोमीटर तक चलने की कोशिश करी जाएगी। अभी तक मैं चल चुका हूँ 20-25 किलोमीटर चल चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके बाद और ज़्यादा भी और चलेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम पेट्रोल ख़त्म करने की। इसका जितना भी पेट्रोल है वो आउट करना पड़ेगा और राइड करते रहेंगे। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकल के आता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
गाइस दिस इज द ब्यूटीफुल विंटर लाइन एंड विच इज ओनली सीन फ्रॉम मसूरी एंड स्विट्जरलैंड बेसिकली. और ये मेरा लाइन देखो कितना सुंदर है यार. तो आफ्टर द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विंटर लाइन तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं. और जो आज का रिजल्ट आया है वो फाइनल रिजल्ट ये है कि आवाज़ जो है बहुत ही स्मूथ हो चुकी है, रिफाइंड हो चुकी है. और मिसिंग की प्रॉब्लम जो मेरी बाइक में आ रही थी वो 70% तक कम हो चुकी है. लेकिन मेरे ख्याल से पूरा 100% के लिए मुझे कल गाड़ी को थोड़ा और चलाना पड़ेगा. आज आई ड्रोव इट फॉर लाइक करीबन मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर चलाया और कल मैं उसको 10-15 किलोमीटर और चलाऊंगा जब तक उसका टैंक जो है पूरा नीचे ड्रेन आउट नहीं हो जाता और सारा जितना भी उसके अंदर वो मैंने क्लीनर डाला है वो इंजन में वर्कआउट हो जाए. उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स देंगे आपको. टिल देन अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.